हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। जैसे कि आपको पता है, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। हमने वो भी गैराज में दे रखी है ठीक होने के लिए मैकेनिक के पास, तो उसमें कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। इसी बीच में हमने एक होटल लिया है जिसका नाम है दी हस्की। ये आपका भांग से मेन जो हाईवे है वहाँ से 100 मीटर की दूरी में है, और इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ से। अभी मैं रूफ में हूँ और आपको व्यू दिखाती हूँ बाहर का। यहाँ पर है इसकी पर्सनल पार्किंग, साथ में लॉन भी है जहाँ पर आप खाना भी खा सकते हैं और कॉफ़ी के आनंद भी ले सकते हैं। साथ में काफ़ी सारे होटल्स हैं। आप जो सामने व्यास नदी के उस पार देख रहे हैं वो है वन विहार, जो कि इनसाइड बेहद खूबसूरत है। इफ़ वी हैव अ टाइम डेफिनेटली वी विल गो देयर। अभी व्यास नदी कितनी शांत और प्यारी लग रही है, बट लास्ट ईयर इसके रौद्र रूप ने इस क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी। लंच टाइम हो गया है और हमें सामने दिखाई दे रहा है बियारो कैफ़े, जो कि आउटसाइड बेहद खूबसूरत लग रहा है। बियारो एक यूनिफॉर्म फोर्स है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉर्डर की रोड, ब्रिज, टनल डेवलप करना है। ये कैफ़े अभी बियारो ने रिसेंटली स्टार्ट किया है। खाने में हमने ऑर्डर किया है कढ़ाई पनीर और बटर नान, जो कि बहुत टेस्टी है। हम आए थे बियारो कैफ़े में लंच करने के लिए, जो कि मनाली में है। यहाँ का खाना बहुत ही डिलीशियस है, बहुत रीज़नेबल है और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। आप कभी भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर ज़रूर से विज़िट करें। नाउ वी आर गोइंग टू माल रोड फ्रॉम अ भांग। वी डोंट हैव एनी पर्सनल व्हीकल्स, सो वी आर वेटिंग फॉर अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट बैड लक वी डिड नॉट गेट इट, सो वी डिसाइडेड टू गो बाई वॉक। फाइनली रोड की धूल मिट्टी का आनंद लेते हुए हम पहुंच चुके हैं माल रोड। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, और जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही है क्राउड भी बढ़ता जा रहा है। जहाँ भी नज़र जा रही है वहाँ पर वुलन क्लोथ ही दिखाई दे रहे हैं, और कई जगहों में मुझे सेम वैसे शॉप्स दिखाई दी जो कि लाहौल में बनती हैं। मम्मी चॉकलेट चॉकलेट माल रोड घूमने के बाद हम जा रहे हैं हिडिम्बा टेंपल, जिसकी दूरी माल रोड से 1 से 1.5 किलोमीटर है, जिसके लिए हमने किया ऑटो। मंदिर के गेट में पहुंचते ही रंग बिरंगी दुकानें शुरू हो जाती हैं, जिसमें आप पूजा सामग्री के साथ साथ यूनिक चीज़ें भी ले सकते हैं। हम पहुंच गए हैं हिडिम्बा माता टेंपल, जिसका वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। मंदिर के अंदर माता की चरण पादुकाएं भी हैं।
मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में करवाया था। चारों तरफ देवदार के वृक्षों से घिरा ये मंदिर मनाली में स्थित है। लकड़ी से निर्मित इस मंदिर की चार छतें हैं, जिसमें से तीन देवदार की लकड़ी से बनी हैं और ऊपर की ज्योति छत तांबे व पीतल से बनी है। सामने दिखाई दी मुझे लोकल ड्रेस जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। बाहर निकलते ही हमें सामने दिखाई दिए झूले, तो चलिए चलते हैं वहाँ। अंधेरा होते ही हम निकल पड़े अपने रूम की तरफ और रास्ते में हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिला है, जिसमें हम आधे से एक घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे हैं। और अमूमन ये ट्रैफिक आपको मनाली में मिलेगा ही मिलेगा।